हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शिक्षा मंत्र अकाडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, SC MTS के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं टीयर टू के, साथ ही SSC CGL और CHSL के भी एग्ज़ाम इस निबंध से रिलेटेड हैं। स्मार्ट सिटी एक इम्पॉर्टेंट निबंध है जिसपे आने की संभावना एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि अभी तक नहीं आया है, लेकिन इन तीन एग्ज़ाम में एक न एक एग्ज़ाम में ये निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी स्टार्ट करते हैं। आज जबकि भारतवर्ष विकासशील देशों से विकसित देशों की श्रेणी को अग्रसर है, स्मार्ट सिटी की अवधारणा मुख्य हो जाती है। गुणवत्तापूर्ण जन सुविधाएं कम सेवा मूल्य पर और सुगमता से पूर्ण हों, जहां लोगों के जीवन यापन के तरीके इतने अधिक संतुलित हों कि प्रदूषण फुल स्टॉप नहीं है, कि प्रदूषण की संभावना न्यूनतम हो, जहां घर बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से सभी प्रशासनिक सूचनाएं न केवल उपलब्ध हों बल्कि मांग पर ही पूर्ण भी की जा सके, ऐसे शहरों को हम लोग स्मार्ट सिटी के श्रेणी में रखते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन आपका इफेक्टिव होना चाहिए। एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उस पर इसका सीधा इफेक्ट पड़ना चाहिए। आपकी लैंग्वेज स्किल्स हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स हैं, जो भी आपने लिखा हुआ है, आपकी लैंग्वेज फुल कमांड में आपके होने चाहिए। जो चेक करने वाला है उस पर इसका सीधा और बढ़िया पॉजिटिव इफेक्ट पड़े। ठीक है, तो इसे थोड़ा और डिफाइन करेंगे कि दूसरे शब्दों में, जहाँ पर्याप्त बिजली, पानी, भोजन, घर आदि के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, मनोरंजन, यातायात आदि की उपलब्धता हो, वह शहर स्मार्ट सिटी की श्रेणी में गिना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए घोषणा की थी और इसके लिए 7,000 करोड़ से अधिक धनराशि भी वितरित की गई है। इसमें 40 लाख या उससे अधिक आबादी वाले 9 सैटेलाइट शहर, 10 या उससे 40 लाख की आबादी वाले 44 शहर तथा 5 से 10 लाख की आबादी वाले 20 शहर तथा पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां सहित 27 शहरों को चुनने की बात कही गई है। ठीक है, इसको थोड़ा डिफाइन कर दिया। अब विशेषता क्या है, इससे इंट्रो आपका कंप्लीट हो गया। बॉडी पार्ट भी आपने एक अच्छी सी लिख दी। इसके बाद इन शहरों में सौर ऊर्जा, स्ट्रीट लाइट, वाईफाई, ई लाइब्रेरी, खेल के मैदान, कचरा उपबंध, अस्पताल, विद्यालय आदि सुविधाओं का विकास को बल मिलेगा। अंततः कहा जा सकता है कि इस कदम से गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा आदि का समाधान होगा, समावेशी विकास के साथ नक्सलवाद आदि का भी सफाया होगा। ठीक है, ये यहाँ पे एक मिस्टेक्स है। आशा की जाती है कि यह योजना देश के को और ज़्यादा समृद्ध बनाने में उपयोगी होगी। इस तरह से आप ये निबंध अपना कंप्लीट कर सकते हैं स्मार्ट सिटी का। इसमें कुछ इनिशियल टिप्स अगर चाहिए तो आप नेट इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि हाल फिलहाल में इस पर क्या वर्क हो रहा है। इसमें आप गंगा सुधार योजना, सफाई योजना और भी चीज़ें हैं जो इंडिया और डिजिटल इंडिया को जोड़ सकते हैं, उसके पॉइंट को जोड़ सकते हैं कि ये इससे भी स्मार्ट तरीके इजाद हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस निबंध को लिख सकते हैं। ठीक है, मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे अगले निबंध के बाद। सो बाय बाय एंड टेक केयर।